कोविड के मामले लगातार कम होने से हम सभी को खुशी मिली ही थी कि एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XE का पता चला है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है। आपको बता दें कि अभी तक ओमिक्रॉन COVID-19 के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा पारगम्य माना जा रहा था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को दुनिया भर में तीसरी लहर पैदा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। यह अलग बात है कि ओमिक्रॉन की वजह से आई लहर में पहले के मुकाबले अस्पताल में काफी कम लोग भर्ती हुए, लेकिन जिस दर से इस वेरिएंट ने डेल्टा स्ट्रेन को पीछे छोड़ा वो आश्चर्यजनक था। कोविड XE वेरिएंट का पता हाल ही में लगा है। आइए जानें इससे जुड़े 5 फैक्ट्स के बारे में। XE ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का एक पुनः संयोजक है। WHO ने पहले ही कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में हम सभी को सचेत कर दिया था। डेल्टा क्रॉन पहला पुनः संयोजक था जिसमें पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस के कुछ और पुनः संयोजक सामने आए, जिनमें से एक फ्लुरोना भी रहा। XE भी ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का एक पुनः संयोजक ही है, यानी ये इन दोनों का सब वेरियंट से मिलकर बना है। XE चिंता का एक संभावित रूप। WHO ने अपनी नई रिपोर्ट में शुरुआती निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए संभावित नए प्रकार को चिंता का स्वरूप बताया है और 25 मार्च को आई इस रिपोर्ट में UK में अब तक XE के कुल 637 मामलों की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 के एक पुनर्योजन की पुष्टि की गई है। UK स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट, जिसे मार्च को अपडेट किया गया था, और इसमें बताया गया है कि UK में अब तक XE के कुल 637 मामलों की पुष्टि हुई, जो ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 का एक पुनः संयोजक है। UK स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की मुख्य चिकित्सा सलाहकार सुसान हॉपकिंस ने वेरिएंट की आक्रामकता पर बात करते हुए कहा, खासतौर से इस पुनः संयोजक XE में एक परिवर्तनशील विकास देखा गया और हम अभी तक पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि क्या इसका वास्तविक विकास कैसा होगा। WHO कोरोना वायरस के उन वेरिएंट को चिंता का रूप बताता है जिनमें अनुवांशिक परिवर्तन होता है, जो मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जिनकी विकास दर भी उच्च होती है। XE अत्यधिक संक्रामक है। इस नए वेरिएंट को अत्यधिक संक्रामक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ओमिक्रॉन की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को सबसे ज्यादा संक्रामक माना गया है। ओमिक्रॉन का संचरण दर इतना अधिक था कि इसे पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कितना गंभीर साबित हो सकता है XE? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस बारे में अधिक डिटेल्स का इंतजार है कि क्या ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट्स और पुनः संयोजक के बीच संचरण और गंभीरता में कोई महत्वपूर्ण अंतर है या फिर नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से कोविड की तीसरी लहर आई, इस वक्त चीन में कहर बरसाया हुआ है और मार्च में चीन में कोविड के 1 लाख से अधिक मामले सामने आए, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले शंघाई में देखने को मिले। अब तक कितने मामले सामने आए? UK की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार, जब से UK में पहली बार XE मामलों का पता चला, तब से अब तक कुल 637 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।